थैंक यू नेहा, थैंक यू. यू आर इन द सेम प्लेस दैट आई वाज अबाउट अ ईयर बैक. बैठो ना नेहा, बैठो ना. How are you doing? आई एम डूइंग फाइन. बस बेबी को थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मैं ट्राई कर रही थी. आई एम फेसिंग सम चैलेंजेस. बेबी अच्छे से लैच नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि कैसे होगा. I was just there. I can remember everything like a flashback. But believe me, it all passes slowly if you are confident that you can go ahead with it. अभी 15 days हो गया, कितना हो गया? Yeah, अभी 2 weeks complete हो गया है बेबी का. So मुझे वही worries था कि 2 weeks हो गया है, बेबी still not latching. तो मेरा मिल्क कैसे इंक्रीज होगा, और जब अगर मिल्क इंक्रीज नहीं हुआ तो मैं कंटिन्यू कैसे करूँगी ब्रेस्ट फीडिंग. बिकॉज मेरे मन में ये भी डाउट्स हैं कि आगे चल के मुझे वर्क ज्वाइन करना है, मुझे शायद 5th month में ही वर्क ज्वाइन करना पड़ जाएगा. तो अगर मिल्क ही सफिशिएंट नहीं हुआ तो मैं मेरे बेबी को कैसे प्रोवाइड करूँगी अपना मिल्क. Mansi, believe me, the only way to continue breastfeeding is to continue breastfeeding. Okay. क्योंकि I have been through the same thing. जब हम initially when the supply might be a little low, when you are learning, the baby is learning how to feed. So at that time you might feel कि नहीं हो पा रहा है. Right. But it can take 15 days, sometimes 1 month for the entire process to get streamlined. For your supply to increase, for the baby to be able to latch well. And initially ना baby का requirement ऐसा erratic होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, it's not enough, milk is not enough. But it's never like that. You are always enough for your baby. Never bring in the thought into your mind that you are not enough for your baby. Actually, because that stress also reduces your blood, the breast milk supply. So try and keep at it and don't stop breastfeeding at any cost. To be very honest, मेरे मन में यही आ रहा था कि मैं breastfeeding stop कर देती हूँ and baby को formula feed दे देती हूँ through bottle. तो वो easy रहेगा, at least मेरे baby को nutrition तो मिलेगा जब मैं उनको नहीं provide कर पा रही हूँ तो. Nutrition formula feed एक limit तक ही दे सकता है, but immunological benefits for you. जो बेबी को इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम मदर्स मिल्क, दैट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम ब्रेस्ट, फ्रॉम आउटसाइड फार्मूला. फार्मूला से इट इज ओनली अ लास्ट रिसोर्ट. जब देर इज नथिंग एल्स अवेलेबल तभी ही फार्मूला चालू करना चाहिए. एंड इनिशियली तो आप फार्मूला इंट्रोड्यूस करोगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है. बेबी को कॉलिक हो सकता है, बेबी टॉलरेट नहीं करेगा, प्लस साथ में निपल कन्फ्यूजन एडिशन हो जाता है. तो आप ब्रेस्ट फीडिंग ही कंटिन्यू करोगे तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर द बेबी. अभी इनिशियली यू माइट फील कि इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, स्लीप डिप्रिवेशन होता है, नींद नहीं ठीक से मिल पाती. बट एज लॉन्ग एज बेबी इज गेनिंग वेट, एज लॉन्ग एज बेबी इज हैविंग इनफ स्लीप, एटलीस्ट वेट डाइपर्स, डर्टी डाइपर्स अगर काउंट आप अच्छा रख रहे हो, देन डोंट थिंक दैट योर सप्लाई इज लेस. एक महीना तक लगता है टिल एवरीथिंग स्ट्रीमलाइंस लिटिल बिट. ओके. मुझे एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड हम दो ही लोग घर पे रहते हैं. सो बेबी का टेक केयर करना, साथ साथ में घर का काम करना, मेरा डाइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें से थोड़ा हैफ हजार्ड हो गया है. तो मुझे वो और डिफिकल्ट लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीडिंग. माई हस्बैंड वर्क्स, तो उनकी जो पैटर्निटी लीव थी वो ख़त्म हो गई है, तो अभी मुझे अकेले ही सब मैनेज करना पड़ रहा है. That can be very difficult. We can understand. Many of us have gone through that. पर अभी initially आपने थोड़ा pumping वगैरह अगर चालू किया है तो that can also increase the supply. अगर dry pumping या power pumping आप करोगे तो उससे भी breast milk supply बढ़ सकता है. And that can help between feeds अगर you are doing that. Okay. So that will be helpful. By power pumping you mean कि मुझे हर frequently बार बार pump करना पड़ेगा? हाँ, ते उसका एक schedule होता है power pumping का, that you have to do for 5 minutes, then 10 minutes, and then that between feeds जब power pumping करते हैं तो उससे भी supply बढ़ता है. And also can you suggest कि कौन सा pump अच्छा रहेगा for me? Because मैंने काफी online search किया, काफी सारे pumps available हैं market, some are expensive, थोड़ी चीपर है, तो कौन सा लेना चाहिए?
जो अपना स्टोर बनाना चाहता है उसके लिए इलेक्ट्रिक पंप इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें फिजिकल लेबर रहता है जो कम, यू डोंट गेट टायर्ड योरसेल्फ डूइंग इट, और उसके साथ साथ इफ यू आर प्लानिंग टू डेवलप अ स्टैश ऑफ फ्रोजन मिल्क टू बी यूज बाय द बेबी लेटर, तो इलेक्ट्रिक पंप विल वर्क आउट बेटर फॉर यू. ओके, आई थिंक या आई फील बेटर आपकी सजेशन से. एंड कैन यू ऑल्सो सजेस्ट मी कि अगर मैं बॉटल फीडिंग ना करूँ तो वॉट इज सम अदर मेथड में बेबी को कैसे फीड करा सकती हूँ ताकि बेबी मेरा ब्रेस्ट मिल्क भी ले और जो मैं ब्रेस्ट मिल्क रिमूव करके दूं वो भी मैं उनको दे सकूं. सो वाटी स्पून इज द बेस्ट मेथड टू गिव ताकि वो निपल कंफ्यूजन ना हो बेबी को. राइट. और उसके साथ साथ देयर आर लिटिल चोचनी टाइप की चीजें होती हैं व्हिच कैन हेल्प द बेबी सकल. ओके, तो एक्सप्रेस मिल्क देने के लिए वाटी स्पून इज द मोस्ट रिलायबल जिसमें स्टेबिलिटी भी अच्छे से मेंटेन रह सकती है. एंड इसे मैं कंटिन्यू कर सकती हूं जब मैं वर्क स्टार्ट करती हूं मेरा. हाँ, तो अगर इफ यू आर लुकिंग कि आगे जाके 4-5 months में इफ यू आर सीइंग कि काम पे वापस जाना पड़ेगा तो थोड़ा पंपिंग करके फ्रोजन मिल्क तो आप रेडी रखो कि सम टाइम बिल्कुल ही यू आर नॉट अवेलेबल तो वो थॉ करके दे सके बेबी को जो भी बेबी को अटेंड कर रहे हैं. राइट. एंड इफ यू गो बैक टू वर्क एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू टू पंप एट वर्क. आजकल तो मॉल्स में भी हमको रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग रूम, तो हर ऑफिस में क्यों नहीं होना चाहिए. राइट. डेफिनेटली होना चाहिए. एंड यू कैन टॉक टू योर एम्प्लॉयर, यू कैन टॉक टू योर बॉस दैट प्लीज मेक दिस अवेलेबल. यस, बिकॉज़ इफ यू आर अ वैल्यूएबल एम्प्लॉयर एट वर्क यू आर आल्सो वैल्यूएबल एट होम. करेक्ट. मैं अपने हस्बैंड अपने फैमिली से भी डिस्कस करूंगी, अपने ऑफिस में भी डिस्कस करूंगी कि मैं ये सारी चीजों के बारे में सोच रही हूँ एंड वो मुझे कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. नेहा, आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस तरह का डाइट लेना चाहिए कि मैं अच्छा ब्रेस्ट मिल्क प्रिपेयर कर सकूँ अपने बेबी के लिए. सो एनी कैलोरी रिच डाइट यू नीड एट लीस्ट 300-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा. ओके. ओके, सो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कहते हैं गूंद या फैट रिच प्रोडक्ट्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी अच्छा रहता है बिकॉज इनिशियली जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है दैट इज मोर प्रोटीन रिच एंड फैट रिच, तो अपना डाइट उस हिसाब से यू हैव टू इंक्रीज. एंड इट हैज टू बी नेचुरल होम कुक फूड विद गुड अमाउंट ऑफ फैट्स इंक्लूडेड इन दैट. सो डोंट थिंक अबाउट योर weight or don't think about your postpartum bounce back phase. Think about what your baby needs and if you are breastfeeding to fir naturally uske sath sath if you continue, you're able to continue, then all that weight will also get shed. मैंने कहीं पे सुना था कि मेथी, सौंफ ये सारी चीजें अच्छी होती है मिल्क प्रिपरेशन के लिए, क्या वो सही है? ये दे आर थर्मोजेनिक, दे आर कैलोरीजेनिक थिंग्स जो अपना फैट बर्निंग, योर नेचुरल फैट बर्निंग में हेल्प करते हैं, तो उसमें से द ब्रेस्ट मिल्क कैन ऑल्सो इंक्रीज. ओके. Of course, there are a lot of supplements also available, जैसे शतावरी है, ये जो supplements है, ये increase करते हैं. But the best way to increase breast milk is to continue with breastfeeding. क्योंकि जो suckling reflex जब आता है baby का, that is the stimulus that the body gets, कि अभी requirement ज्यादा है. अगर हम खाते रहेंगे and we are not actually feeding and removing the milk, then the body gets the sign that it is not required. तो फिर वो बनेगा ही नहीं. Right. अगर आप फीड करोगे तो उतना ज्यादा बनते जाएगा मिल्क. राइट, बिकॉज मुझे कुछ कभी कभी ऐसा फील होता है कि ब्रेस्ट में मिल्क अंदर फिल हो रहा है जिसके कारण मुझे बुखार आता है या मुझे बॉडी पेन भी फील होता है कभी कभी. सो वैसा अगर लगे तो आप पंपिंग करके वो एम्प्टी कर सकते हो, पर अगर वो नहीं पॉसिबल है तो बेबी इज द बेस्ट ब्रेस्ट पंप. जितना अच्छे से बेबी सकल कर सकता है, ब्रेस्ट एम्प्टी कर सकता है, वैसे कोई पंप नहीं कर सकता. राइट नेहा, या मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है आपसे बात करके. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे गायनेकोलॉजिस्ट या कोई लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करती हूँ जो मुझे लैचिंग इश्यूज फेस कर रही हूँ उसके बारे में, अगर वो मुझे हेल्प कर सके कि मेरा लैच करेक्ट हो जाए, बेबी अच्छे से ले सके ब्रेस्ट मिल्क. यू हैव डिलीवर्ड एट अपोलो. So you can meet Dr. Mansi and she and any lactational consultant will be more than happy to help you out with your problems. Yes, Neha. Yes, thank you so much for visiting me, Neha. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Take care and call me anytime. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes.